दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि भगवान कर्षदेव और सूरपाल हिमालय की यात्रा पर कैसे गए। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। हम आपके सामने लेकर आए हैं कर्षदेव जन्म कथा का पाठ 14। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज भगवान कर्षदेव सूरपाल मांझेहार में आ गए। उन्होंने भारत के कई राजाओं को हराया। जब वह मांझेहार में आए तो उन्होंने फैसला किया कि अब वह झांझनगर में राज्य नहीं करेंगे और वह 12 साल के लिए हिमालय की यात्रा पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जाएंगे, जिससे उनके द्वारा मारे गए लोगों की हत्या का पाप उनके ऊपर से हट जाएगा। आज भगवान कर्षदेव और सूरपाल मांझेहार में भीखा जसोदी को पास बुलाते हैं और कहते हैं, झांझनगर में संदेश बहन के पास ले जाओ कि हम 12 साल के लिए हिमालय की यात्रा पर जा रहे हैं। आज भीखा जसोदी भगवान की बातें सुनकर बोलता है, भगवान क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो आप राजपाट छोड़ रहे हो? तब कर्षदेव सूरपाल बोले, हम पृथ्वी पर राज्य करने नहीं आए, ना ही भोग विलास करने। जिस कारण से हमने जन्म लिया था वो कार्य पूरा हो गया है। अब हमें वापस भगवान भोलेनाथ के पास जाना है और हम अब हिमालय पर ही तपस्या करेंगे ताकि हमारे द्वारा जो लोग मारे गए हैं उनकी हत्या का पाप हमारे ऊपर से हट जाए और हम भगवान भोलेनाथ के पास सशरीर पहुंच जाएं, वरना हमारे गुरु भोलेनाथ हमें छोड़ देंगे। आज भीखा जसोदी मांझेहार में रो रहा है। बोला, भगवान मैं भी आपकी सभी लड़ाई में शामिल रहा, मुझे भी साथ ले लो। तब कर्षदेव बोले, हम दोनों भाई सशरीर भोलेनाथ के पास जाएंगे। जब तुम्हारी मृत्यु प्रकृति के नियम के अनुसार होगी तो तुम हमारे पास आ जाओगे और जिसने भी हमारी सेवा की है और गरीब निसहाय लोगों की सहायता और अत्याचारियों को मारा है वो सब हमारे लोग आ जाएंगे। मैं तुम सबके हत्या के पाप मिटा दूंगा। आज भीखा जसोदी पूछता है, देव आप लोगों के बिना मैं एक दिन नहीं रहा हूँ, 12 साल तो बहुत दिन होते हैं और यह भी ठिकाना नहीं है कि आप 12 साल बाद लौटकर आओगे, मैं आपसे किस प्रकार मिल सकता हूँ? तब कर्षदेव बोले, जब तुम मिलना चाहो तब पंचों को बुलाकर हमारी लीला का गुणगान करना, ढाक चिमटा बजाना, हम आपके सामने आ जाएंगे। आज इस प्रकार से कर्षदेव ने अपने को बुलाने का तरीका बता दिया। भीखा जसोदी मांझेहार से चल दिए और झांझनगर में पहुंच गए। यहाँ दोनों भाई अपने अपने भैंसे और घोड़े पर सवार हो गए। यहाँ भीखा जसोदी बहन एलादी के पास पहुँचे और कहने लगे, कर्षदेव सूरपाल हिमालय जा रहे हैं, आप आखिरी बार उनसे मिल आओ। भीखा जसोदी की इतनी बात सुनकर बहन एलादी को धक्का लग गया और वह वहीं पर बेहोश हो गई। जब भीखा जसोदी ने यह देखा तो उन्होंने उनके ऊपर पानी डाला और उन्हें जगाया और उन्हें धीरज रखने को कहा। तब वह अपने झांझनगर के सभी व्यक्तियों को इकट्ठा करती हैं और भीखा जसोदी से कहती हैं कि तुम सभी को जल्दी जल्दी से बुला लो, हमारा भाई हमारे कहने से नहीं मानेगा, पर जब झांझनगर के सभी लोग कहेंगे तो तब वह मान जाएगा। आज बहन एलादी ने वहीं से जोर जोर से चिल्लाई और कर्षदेव को बुलाने लगी। गांव के लोगों की भीड़ भी पीछे पीछे बहन एलादी के साथ जाने लगी। भीखा जसोदी भी सिर नीचे किए हुए बहन एलादी के साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ भगवान कर्षदेव मांझेहार में जब यह देखते हैं कि बहन एलादे अभी तक नहीं आ रही हैं तो यह सोचते हैं कि बहन एलादे शायद हमसे रूठ गई हैं और अब हमसे मिलने के लिए नहीं आ रही हैं। तब वह अपने घोड़े और भैंसे को आगे बढ़ा देते हैं। जब पीछे से बहन एलादी की जोर जोर से बुलाने की आवाज़ आती है तो वह अपने भैंसे और घोड़े को वहीं पर रोक देते हैं, जिसके निशान आज भी वहाँ के पत्थरों पर मौजूद है।
जब वह वहाँ पर घोड़े और भैंसे को रोक देते हैं और बहन उनके पास मिलने आती है तो वह कारसदेव सूरपाल से लिपट जाती हैं और उन्हें ना जाने को कहती हैं। वह जोर जोर से रोती हैं और झांझ नगर के सभी व्यक्ति भी रोने लगते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं कि वह हिमालय की यात्रा पर ना जाएं और झांझ नगर में ही रहें। पर कारसदेव जो मन में विचार किए थे वही करते हैं। वह बहन को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मैं कहीं नहीं गया, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ और मैं जब भी तुम बुलाओगे तब मैं आ जाऊँगा। इस प्रकार से बहन उनकी कोई भी बात नहीं मानती हैं और उनसे लिपटी रहती हैं और उन्हें वहाँ से जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देती हैं। झांझ नगर के कोई भी व्यक्ति उन्हें वहाँ से जाने की आज्ञा नहीं देता है। इस पर कारसदेव अपनी लीला रचते हैं और बहन और गांव वालों से कहते हैं कि देखो पीछे भगवान भोलेनाथ आ गए हैं, और सभी लोग पीछे मुड़ जाते हैं। इतने में ही कारसदेव सूरपाल वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब बहन आगे देखती है कि कारसदेव सूरपाल आगे नहीं है तब वह निवलिया की तरफ भागती हैं कि वहीं से वो लोग गए होंगे, पर उन्हें वहाँ पर नहीं देखती हैं और अपना सिर पत्थर में मारती हैं, जिसका निशान आज भी वहाँ पर मौजूद है। उनके पत्थर और हाथों का निशान बहन एलादी के आज भी मौजूद हैं और वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती हैं। इस प्रकार से भगवान कारसदेव और सूरपाल हिमालय की यात्रा पर गए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि आप आगे के पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम आपके सामने कारसदेव लीला के और किस्से कहानी आपके सामने बहुत ही जल्दी लाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कारसदेव बाबा की, जय भगवान भोलेनाथ।